राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 10वां दिन है। अपने 86वें दिन ये यात्रा आगर मालवा जिले में प्रवेश कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा आगर मालवा जिले में 3 दिन और 2 रात तक रुककर जिले में 97 किलोमीटर की यात्रा करेगी। इस यात्रा में प्रदेश के किसी जिले में सबसे लंबी यात्रा होगी। वहीं आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में कुल यात्रा का 25% हिस्सा इसी जिले में होगा। आगर मालवा से ये यात्रा फिर 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। इससे पहले आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आगर मालवा में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह की जोड़ी भी एक साथ देखने को मिली। तो ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां पर एक जन सैलाब राहुल गांधी की पद यात्रा में उमड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर में तमाम दिग्गज नेता आप देख रहे हैं, जहां पर लगातार इस पद यात्रा में वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 4 तारीख को ये जो यात्रा है वो राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी। तो देखा आपने भारत जोड़ो यात्रा में किस तरह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जुट रही है। आपको बताएं कि उज्जैन से कुछ तस्वीरें जो है वो सामने आई, जहां से यात्रा आज सुबह ही निकली और साथ ही साथ आगर मालवा के लिए ये यात्रा प्रस्थान की। देखिए पहली तस्वीर, जहां से उज्जैन से दरअसल ये यात्रा जो है निकली और आगर मालवा में सुबह ही इस यात्रा की एंट्री हुई। चूंकि हमने देखा कि उज्जैन में जब ये यात्रा पहुंची थी तो किस तरीके से कांग्रेस के समर्थकों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला था, चूंकि बाबा की नगरी और ऐसे में यहां पर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। विशेष पूजा अर्चना उन्होंने बाबा महाकाल की थी, जिसके बाद वहीं पर एक दिन का विश्राम जो है वो किया गया था। उसके बाद फिर वहां से वो यात्रा रवाना हुई और अब आगर मालवा में सुबह सुबह एंट्री इस यात्रा ने कर ली। ये 2 तस्वीरें देखिए, जहां पर पूरे उत्साह के साथ ये यात्रा जो है आगे बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि यात्रा जो है वो रुकेगी यहां पर 2 दिन आगर मालवा में और उसके बाद आगर मालवा से होते हुए सीधा राजस्थान के लिए प्रस्थान कर जाएगी। भोपाल से अब खबर, जहां नरोत्तम मिश्रा ने स्वरा भास्कर, कन्हैया कुमार और सुशांत सिंह के कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इन लोगों के शामिल करने से भारत नहीं जुड़ता है, भारत जुड़ता है धारा 370 हटने से, भारत जुड़ता है CAA कानून होने से और भारत जुड़ता है 3 तलाक खत्म होने से। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जुड़ेगा समान नागरिक संहिता से, एक देश एक विधान से भारत जुड़ता है। साथ ही उन्होंने पूर्व CM कमलनाथ से समान नागरिक संहिता पर अपनी बात रखने की भी मांग की है। आदरणीय राहुल गांधी जी, स्वरा भास्कर जी को लेकर के, कन्हैया कुमार को लेकर के, सुशांत को साथ में लेने से भारत नहीं जुड़ता। भारत जब जुड़ता है जब 370 समाप्त होती है, भारत जब जुड़ता है जब CAA आता है, भारत जब जुड़ता है जब ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा समाप्त होती है। आदरणीय, आपके पूर्वजों ने थे बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जोर शोर से आगे बढ़ती जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर निवाड़ी जिले में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाली। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने ओरछा के बसोवा गांव से यह यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के प्रदेश प्रतिनिधि रजनीश पटेरिया का कहना है कि यह यात्रा 90 दिन में 750 किलोमीटर चलकर 235 बूथों पर जाएगी।